अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों बात करने वाले हैं शहाब भाई तो हनुमानगढ़ टाउन से, यानी रात को 1 बजे हाजी नूर नावी भाटी के चक ज्वाले वाले गांव से, फॉर्म हाउस से निकलकर 1 बजे अपने शहाब ने सफ़र शुरू कर दिया था। लेकिन अभी की बात करने वाले हैं, अभी अपने शहाब भाई कहां पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक अपने शहाब भाई गंगानगर ज़िले के अंदर खैरूवाला एक गाँव है, उस खैरूवाला गांव के अंदर अपने शहाब भाई एंटर हो चुके हैं और अभी अपने शहाब भाई वहीं पर है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अपने शहाब भाई जो कि कल वहां पर हाजी नूर नावी भाटी जी के फॉर्म हाउस पर जब शहाब भाई रुके हुए थे, वहां पर पंजाब से कुछ लोग यानी एक शाही इमाम और वहाँ पंजाब की कुछ पुलिस फोर्स आई थी शहाब भाई को यानी लोकेशन बताने के लिए और शहाब भाई से मिलने के लिए। तो वहाँ पर शहाब भाई से शाही इमाम आकर मिले, पंजाब के शाही इमाम, और वहाँ की लोकेशन ने देखी तो शहाब भाई का पूरा रास्ता वहां पर क्लियर और शॉर्ट था। तो जब अपने शहाब भाई ने रात को 1 बजे सफर शुरू किया था, अपने शहाब भाई अभी पहुंच चुका है गंगानगर जिले के अंदर खैरूवाला गांव है, वहां पर वहां से पंजाब बॉर्डर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 10 किलोमीटर तो 1 घंटे का सफर है, बट उसको अपने शहाब भाई पंजाब बॉर्डर के बिल्कुल अनकरीब यानी पंजाब बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और पंजाब बॉर्डर से वाघा बॉर्डर तक का जो सफर है वहां पर 7 दिन के अंदर सफर होने वाला है। और उससे जब अपने शहाब भाई रुके हुए खैरूवाला गांव के अंदर एक भवन है, वहाँ पर अपने शहाब भाई रुके हुए हैं, वो एक हिंदू समाज का भवन है, उस भवन के अंदर शहाब भाई का आज इस्तकबाल हुआ है पुरजोर तरीके से और अभी शहाब भाई का क़याम वहीं पर है। हो सकता है आज रात का क़याम भी शहाब भाई का गंगानगर ज़िले के अंदर खैरूवाला गांव में एक भवन है, उसी भवन के अंदर यानी हिंदू समाज का भवन है, उस भवन के अंदर शहाब भाई का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया है। जैसे कि आप इस संत निरंकारी भवन को सामने देख पा रहे हो, इसी भवन के अंदर शहाब भाई अभी माशाल्लाह आराम फरमा रहे। जैसे यहां से आगे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे तो मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा। और शहाब भाई के लिए आप ज़रूर दुआ करें, कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं शहाब भाई की न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।